होगा होगा ला ला सुनो नहीं इधर देख मैं तुम रख दूं अपनी चला फिट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ हल्के जैसे अगर ये दिया गया ये डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसमें मुझे हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन पावर है इसको ये लगा दिया इसको ये लगा दिया बताओ ए और बी में कौन ज्यादा होने वाला है हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी को दोनों अल्फा हाइड्रोजन बता इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन इसमें दो चार है ना उस कार्बन से लगे हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ब्रांचिंग ब्रांचिंग वाली की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो इनवर्सली होती है वो इनवर्सली होती है ना स्टेबिलिटी जो होगी एक मिनट शरीर में सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बी की बी की ऐसे ज्यादा एक ऐसा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो गया बी हो गया बताओ हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी ग्रेटर देन एक पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो तो पाई बॉन्ड तो बी का ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी एक ही तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टोर से स्टेबल होता है वो स्टेबिलिटी यहां पे कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट सेम सेम ही होता है बट फाइव उसमें अल्फा हाइड्रोजन से भी कर सकता है ना कि उसमें वो सेम कैटेगरी होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन ये तो अलग-अलग होगा ना डबल बॉन्ड के लिए फाइव बॉन्ड फाइव बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होगा तो वेट ज्यादा दे दीजिए तुम लोग के पास वो वाली भी स्वीट होगी ना भी आइसोमरिज्म एक आइसोमरिज्म के बाद एक मिली आइसोमरिज्म के बाद एक भी नहीं मिला आइसोमरिज्म के पहले आपने ग्रुप में भेजी थी वो अरे नहीं यार प्रिंटेड मैंने दिलवाया सिर्फ आइसोमरिज्म के पहले जो मिली है वो आपने पीडीएफ भेजी आईयूपीएससी नहीं बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म के पहले के असाइनमेंट में वो आप रेजोनेंस की भेजते हो वैसे ही कोई वो आप रेजोनेंस जेई मेंस के क्वेश्चन होते एडवांस के होते बाद में एक्सरसाइज 3 में वैसी वाले वो तो आइसोमेरिज्म के थे जेई लेवल जेई एडवांस लेवल उसके पहले आपने एक ग्रुप में से भेजी थी वो आईयूपीएससी वाली प्रिंटेड नहीं बेटा अलावा कुछ नहीं प्रिंटेड तब तो ऑनलाइन था तब का प्रिंटेड से आइसोमेरिज्म किया और ये अभी आ गया और अभी ये दूसरी बस प्रिंटेड दो ही मिली है नेक्स्ट टॉपिक सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन
सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट ओनली व्हेन रिंग हैविंग नहीं नहीं पॉइंट करके सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट ओनली व्हेन रिंग हैविंग एटलीस्ट एट एटम तो आपने बताया था आठ वाला एक ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म उसी में होगा जब रिंग में कितने हो एटलीस्ट आठ उससे छोटे वाले में डबल बॉन्ड होगा तो कहीं पे सिस ट्रांस आप चेक नहीं करोगे ध्यान रखना समझ में आ रहा है सिस ट्रांस कहां पे चेक करेंगे एटलीस्ट आठ मेंबर का रिंग होगा तो उसके नीचे लिखना इन साइक्लोअल्केन्स पॉइंट है ना ये पॉइंट है ना इन साइक्लोअल्केन्स इन साइक्लोअल्केन्स अल्किन्स अल्किन इन साइक्लोअल्किन इफ द नंबर ऑफ एटम इन साइक्लोअल्किन इफ द नंबर ऑफ एटम इन रिंग नंबर ऑफ एटम इन रिंग ऐसा आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम 11 तक अगर नंबर ऑफ एटम कितना हो 8 से लेके 11 के बीच में है ठीक है उस रिंग में कितने टोटल 8 से लेके 11 सुनाई नहीं पड़ रहा तेरे को पंकज सर की भी ऐसे क्लैश होता है चलो देखना 8 से 11 वाले में अगर वो टोटल अपने पास नंबर ऑफ एटम तो इस वाले में ना सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सिस ग्रेटर देन ट्रांस सिस ग्रेटर देन ट्रांस स्टेबिलिटी बट ये अगर स्टेबिलिटी लिखा है हमने अगर ऐसा आ गया कि नंबर ऑफ एटम्स ग्रेटर देन 11 ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये क्या आ जाएगा अपना नहीं ये ग्रेटर देन इक्वल टू इसे है ना इक्वल टू ओके 11 तक इससे अगर बड़ा आ जाए तो फिर ट्रांस ज्यादा हो जाएगा किससे सिस से और सुना सर पहले सिस ट्रांस सबने को बचाना ये सी से एयर ट्रांस है कौन सा ये एक मिनट ट्रांस है अभी ट्रांस है यार ऊपर ऊपर लगा ना ऐसे तो ये ट्रांस हो गया ना वो नीचे नीचे तो सिस नीचे नीचे लगा तो क्या हो गया सिस कितने मेंबर हैं टोटल 12 क्या मतलब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली ट्रांस की ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई सिस की स्टेबिलिटी है और हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ में आया किसका ज्यादा होगा सिस का एच अगर इसको ए मान ले इसको बी बी मान ले तो हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो किसका ज्यादा हो जाएगा बी का ज्यादा हो जाएगा नहीं अपने को अपोजिट 180 पे देखते हैं इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है ना ग्रुप तो ट्रांस हुआ ना ट्रांस ऐसे दिखाते हैं अभी अपन अच्छा ये ट्रांस हुआ 80 से अगर देखते तो कैसे दिखाते तुम ऐसे दिखाते तो साथ में भी ऐसे ड्रॉ तो कर सकते हैं ना तो लेकिन एक साथ नहीं देगा ना हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब कोई नोट करते हैं सर ऐसा हो सकता है पर क्वेश्चन एक में सिस देगा तो दूसरे में ट्रांस देगा अगर एक में सपोज 10 है एक में 12 है तो फिर कैसे कंपेयर करें एक में 10 है एक में 12 है कंपैरिजन करने के लिए नहीं देगा ना फिर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट लगा वैसे आएंगे नहीं वो क्वेश्चन वो आएंगे तो दोनों में इक्वली एटम्स होंगे नहीं नहीं सर एक मिनट ये नोट
सर उसमें वैसा नहीं बोल सकते, हेक्सेन में भी होता है सी सरपेंस। हेक्सेन में क्या हेक्सेन 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 डबल बॉन्ड के लिए लिखा है ना कि डबल बॉन्ड वाला जो होगा आठ नंबर का होगा तभी होगा। सेसम ट्रांस तो हेक्सेन में साइक्लो हेक्सेन में होता ही है। मैंने बोला डबल बॉन्ड जो रिंग के अंदर होगा तो वो सिस ट्रांस तभी शो करेगा जब एटलीस्ट एट मेंबर का रिंग है नीचे वेडिंग में। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वैसे ही हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन। लिख लिया हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसको एचओसी लिख दें। एचओसी हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट हो गया तो फिर क्या चेक कर लेंगे अपन स्टेबिलिटी। जैसे मान लो आपके पास 6 2 ब्यूटेन ट्रांस टू ब्यूटेन सिस ट्रांस में तो ऐसे है ना और एक ये दिया गया समझ में आ रहे हैं। ये दिया गया आपको 2 4 6 8 ऐसे मतलब बताओ इसमें हीट ऑफ कंबशन निकालना आपको तो हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा हीट ऑफ कंबशन H2 ये गैस है ठीक है। ये सबसे पहले H2O लिक्विड बनाए और दूसरे में H2+O2 ये H2O गैस बनाए। दोनों कंबशन रिएक्शन है। मान लो इसके लिए जो हीट रिलीज हुई माइनस एक्स लिख देते हैं माइनस वाई मतलब रिलीज हुई इसलिए मान लो तो एक्स और वाई में मैग्नीट्यूड किसके ज्यादा होगा y greater than x समझ में आ रहा है। गैस से चेंज हो गया है वेपर निकल रहा है गैस ओके तो नीचे ले लिया y greater than एग्जांपल लगाते हैं सर ये a और b ऐसे सो ट्रांस देख के क्या ना है अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन मालूम का मॉलिक्यूलर वेट सेम है ना तो अल्फा हाइड्रोजन देख लिया। एक मिनट सर वो वाला एक मिनट सर इसमें बी ग्रेटर देन है सर एच ओ सी होगा ना वो पिछले बार का वो पिछले वाले का है इसका तो वाई ग्रेटर देन है तो वही टू ग्रेटर देन ये ऑर्थोमेटा पैरा वाला है और एक में कुछ नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है
पहले ऑर्थो फिर पैरा फिर मेटा फिर नॉर्मल पहले ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो का होगा वो तो अगर ग्रुप चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा ना अरे इसका वो चार होगा लोग यही केस में बोल रहा हूं सबसे अच्छा वो ए होगा फिर सी फिर बी डी ए सी बी डी ये प्लस आई इफेक्ट है समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा तो डी होगा क्योंकि बाकी सब में प्लस है ये समझ में आ रहा है हाइपर कंजुगेशन हां अरे डबल बॉन्ड से लगा होगा ना लगे कार्बन के हाइड्रोजन समझ में आया ये देखो यहाँ पे बस इंडक्टिव शो करता है ये पता है ना हाँ। उसके अलावा और कुछ नहीं तो इंडक्टिव में अगर माइनस आई है NO2 लाता है तो माइनस आई CH3 है तो प्लस आई वो जैसा वैसे शो कर लेगा ये भी प्लस H लगेगा समझ में आ रहा है ये क्या है कुछ नहीं है सब में प्लस प्लस इफेक्ट है ना इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉन देने वाला है डी में कोई देने वाला है क्या नहीं है अगर एसिडिक कैरेक्टर निकालना आपको तो प्लस वाला इफेक्ट चाहिए या माइनस वाला तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डी का होगा अब बचा आपके पास एबीसी ठीक है एबीसी में बताओ डी के बाद बी आएगा बी क्यों आया समझ में आया इसमें प्लस आई प्लस एच लग रहा है ये प्लस एच मैंने बोला था दूर हो जाने में नीचे वाले में प्लस आई नहीं लगता है क्वेश्चन भी करवाया था मैंने तो यहाँ पे प्लस एच लग रहा है यहाँ पे प्लस आई प्लस एच अब बचा ये और ये दोनों देखना ये तो दो लग रहा है तो इसका तो कम होना है ना समझ में आ रहा है तो इन दोनों में एक बचा प्लस आई प्लस एच किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन की तो इसकी कम हो जाएगी ना इसका ज्यादा हो गया तो बी हो गया सी ए मैंने ये कोई फिक्स नहीं है कि और तो फायदा वो ऊपर वाले ग्रुप तेरे को देखना हाइड्रोजन का माइनस आई भी होता है प्लस एम भी होता है कौन सा ज्यादा होता है माइनस आई ज्यादा होता है मैंने लिखा रखा माइनस आई भी होता प्लस एम भी होता है लेकिन माइनस आई नेट क्या होता है ज्यादा होता है इसके नीचे नोट करके लिख लेना एक पॉइंट एक मिनट तो ये लिख वो नोट करके कर जरूरी नहीं है कि सब सेम ही होंगे अलग अलग तो सर कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन सबसे पहला काम है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बाद देखना निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जहाँ पे ज्यादा होती है आप अगर वो वाला ऑर्डर याद रखोगे ना तो चाहे डिफरेंट भी देगा तब भी बना लोगे सल्फोनिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर इसके बाद HCOOH RCOOH फिर ट्रिपल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड सब पे मान लो OH लगा एसिडिक ही निकालना है Then only consider distance. CL. एक OH और CL. एक और कहाँ पे कम हो गया
यहाँ पे OH और Cl, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D। ध्यान से देखना, ये मेटा वाले पोजीशन पे बताओ, बस माइनस आई शो करेगा, पता चल रहा है? समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे जो होगा ये माइनस आई शो करेगा और प्लस प्लस एम, ये भी माइनस आई और प्लस एम। देन चलो देखना है यहाँ पे, अब एबीसीडी सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? बी का। अरे बाकी सब में प्लस प्लस बी तो लग रहा है ना, ए में तो कुछ है ही नहीं। देखो इसमें इसमें प्लस प्लस लग रहा है ना, इसमें माइनस है बस, इसमें वो है नहीं, इसका तो ज्यादा होगा इन दोनों से, ये समझ में आ रहा है? सबसे बेकार एक का। अब देखना ये और ये में इन दोनों में बताओ, सबसे ज्यादा ए का, सबसे ज्यादा किसका हो गया है? सबसे ज्यादा वाले पोजीशन, उसके बाद किसका? डी का, क्योंकि वहां पर माइनस आई ज्यादा लग रहा है, ज्यादा माइनस आई ज्यादा लग रहा है, वो पास में डिस्टेंस कम है। डी हो गया, डी हो गया, ए सी हो गया, ए सबसे बेकार, मतलब जिसका डिस्टेंस मतलब कम है वो आगे आएगा। मैंने लिखा है कि जब भी हैलोजन एटम आएंगे तो बस क्या कंसीडर करनी है? डिस्टेंस। तो OH का जो सबसे पास होगा वो क्लोरीन भी लगा सकता है, ब्रोमीन भी लगा सकता है, कोई भी हैलोजन, ठीक है? तो सेम हैलोजन आएगा तो हमें से क्या देखोगा? वनली डिस्टेंस देखना, तो सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा है? उसके बाद कुछ नहीं लगेगा, बस क्या देखना आपको? डिस्टेंस, कौन पास है कौन दूर है, कौन सा पास कौन सा दूर है। सर रुको रुको, ये मैंने बोला डिस्टेंस जो सबसे पास होगा ना वो ज्यादा किसी का, तो ऑर्थो वाला, मेटा वाला, पैरा वाला। सर 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 है एग्जाम में ऐसा पूछते है किसका साइड इफेक्ट ज्यादा, डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा वो तो बस सुन देगा तेरे को, बताना किसमें साइड इफेक्ट लगने की वजह से चेंजेस आ जाता है। लिखना इफ बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, इफ बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन देन ड्यू टू रिपल्शन, then due to repulsion planarity, if bulky groups are present at ortho position then due to repulsion planarity decreases due to decreases repulsion planarity decreases, that's why resonance will also decrease, that's why resonance will also decrease, and it is known as a steric inhibition side effect, yeah, resonance steric inhibition, दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर जाता है। और बताओ रेजोनेंस के लिए आपको बताया गया है हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, स्प्लिट होता है।
अलग अलग प्लेन में चला गया फिर तो रिपल्सन वो काम ही नहीं करेगा ना। तो डिग्री जो जाएगी ना मतलब ऊपर में जो लग रहा है वो तो एक कंपाउंड में जो लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा। जैसे देखना इसी के अंदर आता है ना और तो इफेक्ट के नाम से जानते हैं सर सर पढ़ा है। और तो इफेक्ट आपको कब लगाना है जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, समझ में आ रहा है? कब लगाना है जब कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओ, मैं जी लगा देता हूँ, ये जी कुछ भी हो सकता है, प्लस आई माइनस आई प्लस एच माइनस एच कुछ भी हो ना प्लस एच, हमेशा इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? इस ऑर्थो इफेक्ट वाला, कोई भी और दिया हो कोई भी कंपाउंड, हां उससे ज्यादा हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट इसी को बोलते हैं बस। लेकिन कहां पे आप चलाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ऑर्थो पोजीशन पहला ही है, पहला ही है, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट बोल रहे हैं। दूसरे साइड वाले ऑर्थो भी लगा, मतलब दोनों ऑर्थो चलेगा वो भी, पर वो जी बल्कि होना चाहिए, वैसे कुछ नहीं है, वैसे कुछ भी लगाओ ना इसके अलावा और कहीं पे भी और हो, मतलब वो बल्कि ग्रुप पहला पहला कंपाउंड है, पहला ग्रुप फिर वो मतलब चेंज हो जाएगा, प्लस आई माइनस आई चलेगा पहला, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लगाओ तो ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा और कहीं पे लगाओ तो पहला ही देख देखना ही करो, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे मान लो ना यहाँ पे सी डबल ओ एच और ये एनओ टू है, सी डबल ओ एच है यहाँ पे एनओ टू आ गया, सी डबल ओ एच है और यहाँ पे क्या आ गया और एक ऐसे नॉलेज होते हैं आप जो देखना आप देखोगे ये कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस ये वाला माइनस आई, नहीं वो माइनस आई और माइनस आई दोनों तो दोनों होगा ना, ए के बाद कौन आएगा सी बी नहीं, अरे माइनस आई भी लग रहा है माइनस एम भी लग रहा है ना, अरे इसमें एक ही लग रहा है ना बस माइनस आई, और इसमें दोनों लग रहा है माइनस आई माइनस एम, तो ये ज्यादा खींचेगा ना ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए के बाद डी हो गया, डी के बाद डी थोड़ी होगा सी होगा ना, मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर होगा ना उसका, हां ए का ये एसिडिक कैरेक्टर है, हां मतलब या फिर स्टेबिलिटी और एसिडिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, मतलब जब दिया जाएगा रिएक्शन करवाएंगे तो स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वैसा कुछ नहीं है ना, नहीं अब स्टेबिलिटी तो किसके स्टेबिलिटी, ये एनायन के स्टेबिलिटी एक तरह से, एनायन ही बन सकता है, रुको रुको शरीर में अपने किया ये ऑर्थो इफेक्ट लगा पहले में, कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कुछ से कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट के चलते ऐसा हुआ है, ऐसे मत सोचते हैं यहाँ पे एच है और ये वो, मैंने बोला है ये जो सेल इफेक्ट होता है क्या होता है रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से सी डबल ओ एच दूसरे प्लेन में लाई करने लग जाते हैं, उसके हाइड्रोजन से इसका कोई मैचिंग ही नहीं हो पाता है, पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर करेंगे तो एक को सबसे लास्ट में रखेंगे, हां तो वही मैंने बोला ना कि ये वो कंसीडर नहीं करता, कभी गलती से भूल भी गए ना तो ऑर्थो इफेक्ट में ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो भी करवाया था ना, अगर इन सबों पे अटैक है सीएल सीएल लगा दे तो
सभी ऑर्डर सेम होने वाली है ये तो मतलब एक वर्ष ये लगाए यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे एक मिनट सर ये नोट करते हैं क्या कर रहा है एक बार लगाया क्लोरीन और एक बार लगाया क्लोरीन माइनस आई सर ने बोला था अप्रोक्सी माइनस आई ये दोनों माइनस आई शो कर रहे हैं माइनस आई इसका ज्यादा होता है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता भाई प्लस से थोड़ा अप्रोक्स होता प्लस बहुत ज्यादा बात करें अगर इसका मान ले 12 है इसका 6 है ओवरऑल ये क्या -6 ओवरऑल कितना -2 ये माइनस 2 यूनिट से खींचेगा ये -6 जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो भाई चांस क्या दे रहा भाई चांस नहीं वो आई माइनस आई सर ने बोला था अप्रोक्स इक्वल होता है माइनस आई में जैसा डिफरेंस नहीं है क्या ये नोट करते हैं रुको सी डबल ओ एच सर रुको 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 सर एसिडिक निकाल दो उल्टा दोनों याद करने पागल हो जाएंगे दोनों याद करोगे गलत हो जाएगा उससे कुछ भी लॉजिक तुम लोगों ने लगाया बस गलत हो जाएगा तो -5 पक्का है लोएच CH3 सी डबल ओएच एबीसीडी है ए आपको ये अभी ये माइनस आई दूसरा तो काम करेगा ही करेगा ऑर्डर ऐसे बदलेगा चेंज नहीं होगा देखो देख मैं जो मेरी को प्रायोरिटी ज्यादा होती है इंडक्टिव साइड वाक कभी देखनी नहीं होती ना सबसे नीचे आ जाए तो आई देख हाइपर कंजुगेट कभी भी अल्काइल ग्रुप नीचे लाई कर गया ना हमेशा हाइपर कंजुगेशन ही काम करता ठीक है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल काम करता होगा तो मैंने समझाने के लिए लिखा कि NO2 आपको माइनस आई में लिखाया गया था क्या हो गया सबसे ज्यादा किसका होगा एसिडिक सबसे ज्यादा ए का फिर इसके बाद डी ए के बाद डी डी उसके बाद डी सी सी नहीं नहीं डी सी हां ये कम से कम 400 बेंजीन रिंग बन गए होंगे अब तक नोट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं अभी ना इसके Thank you.
जितना जीएस में पढ़े उसका 40% जेई मेंस में आएगा। 40% जेई मेंस जीओ से होता है। मैंने बोला कि जितना मैंने पढ़ाया ना, अगर 40% भी आपको ध्यान है तो जेई मेंस के कोर्स तक बन जाएंगे। क्या मतलब ये उतना डीप में नहीं, मतलब आपने जितना डीप में पढ़ा है उतना नहीं। आप जेई एडवांस के लिए कम से कम आपको आना चाहिए ऑलमोस्ट पूरा कम से मल्टीपल कांसेप्ट उसमें तो उसमें मल्टीपल कांसेप्ट के ऊपर होता है। मतलब आपने पढ़ा है उसका 40% में जेई मेंस हो जाएगा, मतलब आप जीओसी के क्वेश्चन बन जाएंगे जेई मेंस लेवल का। हां वो तो हो ही 25 क्वेश्चन में से जो जीओसी कितना पढ़ा है 40% ऑफ ये नहीं हो सकता, सारे जीओसी के तो बन ही जाएंगे। मान लो NH2 है, NH three double bond O NH2 है, सबके पास लोन पेयर है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है। ये तीन अपने पास बंदे हैं। बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जो लोन पेयर सबसे पहले देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी या फिर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, जिसमें ज्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। जिसे CH3- लिखा और NH2- लिखा, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब मान लो ना ये तीन है अपने पास, तीन बंदे, मान लो ये तीन चोर है, क्या है? तीन चोर। ये आ गया पुलिस एच प्लस, तीनों ने चोरी की है, जो इसके हत्थे चढ़ गया वो तो गया। कौन पहले चढ़ में आ रहा है? जो सबसे पहले चढ़ गया उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बताओ एबीसी में। ये सबसे पहले चढ़ेगा, चढ़ेगा बाहर है तो अरे बी पास में है, ऐसे भी सी भी पास हुए, ये बी पास में देख मतलब पुलिस को देखते के साथ इसको भागने का ठिकाना इधर भी है, उसका तो ठिकाना ही नहीं है, पहला वो पकड़ में आ गया। ये जानता है अगर अपन ने भागे ये ज्यादा सोटे लगाएगा, अगर कम सोटे खाने तो चुपचाप ये इधर आ जाएगा। जो सबसे पहले आ गया उसका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। अब ये दोनों तो निकल पड़ा है ना, दोनों की सेटिंग की उधर वो, मतलब जो रेजोनेंस में नहीं होंगे उसको पहले पकड़ेगा। हाँ, जो रेजोनेंस में नहीं होगा उसको पहले पकड़ेगा, जो होगा वो बच गए, वो बच गए, वो बच जाएगा, पकड़ेगा उसको भी, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा पुलिस वाले को लाना पड़ेगा, तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा। अब ऐसे अगर अपन ने लिखा है NH2 है और ये बेंजीन रिंग, ये पीछे नहीं छोड़ेगा, CH2 और NH2, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ए बी में? एक मिनट, बी वाले का ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर, समझ में आ रहा है? ये रेजोनेंस नहीं है, पहले बी को पकड़ेगा, बी को पकड़ लेगा उसमें तो है इसलिए वो निकल जाएंगे। सर ये दोनों नोट करने दो, मुझे तो ऐसा लगता है एसिडिक कैरेक्टर का उल्टा, बस ऑर्डर उल्टा करते हैं, अगर सेम कंपाउंड में घुस दिया तो उल्टा हो जाएंगे। जहां पे नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है वो क्या होगा? उसका बेसिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा। कोई को सर सर अगर दो एटम रेजोनेंस में ना हो तो दो एटम रेजोनेंस में ना हो तो फिर तो अब कुछ लगा होगा ना, मतलब प्लस आई होगा माइनस आई होगा, मान लो दोनों के साथ प्लस आई लगा है तो बेसिक कैरेक्टर उसके साथ ज्यादा हो जाएगा ना, इसका
जिसके साथ में प्लस जिसका प्लस आएगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। वही नहीं सर, एक मिनट। ड्रैगन बेसिक स्ट्रेंथ मुझे पॉइंट दे देना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आवर माइंड्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आवर माइंड्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आवर माइंड्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सबसे फर्स्ट में आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा माइनस आई का क्या होगा, इनवर्सली माइनस आई की इनवर्सली होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना पड़ेगी ना, बट प्लस आई के क्या होगा डायरेक्टली मतलब उससे ज्यादा पूछेगा, पूछेगा तो अब देख कार्बन का भी पूछ दिया माइनस और लेकिन वो नेचर में ऑलरेडी क्या होते हैं बेसिक होते नंबर टू में। सॉल्वेशन इफेक्ट डी में, सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट क्या, जैसे अगर आपने ऐड किया मान लो ये एन एस थ्री है और ये यहाँ पे एच प्लस आपने दिया, ये क्या बन गया एन एच फोर प्लस। आप अगर इसको वाटर में डिजोल्व करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, वाटर में डिजोल्व करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ का बनता है, OH, FH और NH, ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी क्या है, एक दो रैंक करेंगे तो बाजू वाला जो भी पड़ोसी होगा उनको तो तबाही लगा देगा, ये उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना यार, तो ये तो बिल्कुल क्या होगा खाली खाली होगा, खोखला, बस इधर उधर देखेगा किधर मुंह मारनी है, मुंह कहाँ पे मारेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला फिर कौन मिलेगा, जिसने खींचा है उसी का दूसरा पड़ोसी ज्यादा होगा ना, ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल या फ्लोरीन वाले या फिर नाइट्रोजन वाले, नहीं समझ आएगा मतलब मान ले एक एच टू ओ है, ठीक है एक एच टू ओ मॉलिक्यूल ये है, एक एच टू ओ मॉलिक्यूल अपने पास ऐसा है, ये वाला क्या क्या ना, ये एच टू मॉलिक्यूल वन हो गया टू हो गया, ये इसके जो ऑक्सीजन एटम है ना ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा इसको गाली वाली तो दे रहा होगा, बोले जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो तो दे दे कम से कम, बोले कुछ भी बोला अगर तूने फिर कहानी खत्म, ये भी इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा ना, इलेक्ट्रॉन था वो तो खाली हो गया, तब क्या करेगा ये इसको इलेक्ट्रॉन को ही देगा, देगा कौन, हाइड्रोजन कार्बन थोड़ी दे सकता है, ऑक्सीजन ही देगा, तो ऑक्सीजन ही देगा, तो ये वाला ऑक्सीजन दे देता, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ऐसा नहीं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये वाला उसने तो ले लिया वो थोड़ी देगा वापस, ये जो डॉटेड करके अपन बना रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मॉलिक्यूल के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो कम हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसको जाना पड़ता है उसके साथ,
और उसके साथ जाता है फिर तबाह ही मचा के छोड़ता है वो तो NH4 प्लस वो क्या मतलब NH4 प्लस देखो ये चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया टोटल चार हाइड्रोजन है ना तो जो वाटर नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन ये भी धीरे धीरे खींचना स्टार्ट करेगा तो वो चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे वैसे ही मैं आगे लिखा रहा हूँ मान लो अगर आपके पास R है NH2 है प्लस H प्लस तो ये R NH3 प्लस हो जाएगा ये कितना बनाएगा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बाद ऐसा है R NH वाटर में डिजॉल्व होने के बाद बनाएगा दो बनाएगा पानी में डालोगे तो बताओ ये कितना बनाएगा R NH2 प्लस R ये तीन हो गया R NH NH2 प्लस लिख दे ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हाँ ये क्या है प्राइमरी अमाइन है सेकेंडरी है टर्शियरी भी तो टर्शियरी सिर्फ एन होगा आर एन फिर एन एच प्लस आएगा आर थ्री एन एच प्लस कितना एक ये नोट करो फिर समझो वो सबसे ऊपर वाला सुपर प्राइमरी है और सबसे ऊपर वाला का सुपर प्राइमरी कार्बन के लिए बस बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हुआ वो चले गया मैं बिल्कुल को सर ये सब बात नोट कर लो बेसिक कैरेक्टर मतलब बेसिक स्ट्रेंथ लाइट गई लाइट नहीं लाइट जाती तो ये भी कट जाता अरे नहीं सर इसमें इन्वर्टर नहीं है लाइट फेल हो गया भाई अरे सर अभी बिल को ही बुझ लाइट कुत्ते की लाइट ये एसी क्यों क्या हो गया अरे सर अचानक से सब ब्लिंक को ही लाइट तो एसी में एकदम अचानक से पावर वोल्टेज का झटका आया होगा सर आप ब्लिंक को कितने दिनों से क्लीन नहीं करवाया आपने मतलब आपने हो गया सर ओके एक सेकंड के लिए लाइट गई थी देखना बस गिरे ना तुम लोग ऊपर बाकी सब सही है तुम्हारी खत्म चलेगा के अंदर चल गया होगा हर्ष वगैरह का वो मनु मार मार पॉइंट है ऐसे बैठूंगा उससे पहले नाइट्रोजन फ्लिपिंग क्या वो डालते रहते हैं नाइट्रोजन फ्लिपिंग नाइट्रोजन फ्लिप ये थर्ड है ना थर्ड एंड फ्लिपिंग देखना क्या होता है ये फ्लिप कुछ स्मैन कर रहा क्या एसी चल गया एसी चल गया मन करते रहे एसी के चल गया अचानक से लाइट गई एक सेकंड के लिए सिर्फ तो ऐसे कूलिंग कर रही क्या ऐसे बना के धुआं धुआं ही निकल रहा ना फिर तो सही है धुआं चल गया निकल रहा ना अरे देखना ही था मान लो आपके पास है सूर्या इधर तो ये ना क्या होगा NH3 के पास एक क्या है लोन पेयर है ना और ये हाइड्रोजन इसमें ना फ्लिपिंग चलते रहती है खुद का मार अब देखो ये क्या कहूँ मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर एक ऐसे निकाले फ्लिपिंग कैसे होती है ये नाइट्रोजन हो गया फ्लिपिंग जब होगी ना तो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन भी करेगा ऐसा मतलब ये एक इधर एक इधर ये बिल्कुल क्या ये ट्रांजिशन स्टेट है
ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जो हाईली क्या होता है, एक एक वैकेंट ऑर्बिटल में बन जाता है, स्टेबल होता है, जो तुरंत आगे वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे वाले कंप्लीट फ्लिपिंग जब हो जाएगी ना, यस इलेक्ट्रॉन है ना वे, हां दो थे वो दोनों एक एक में दे दिए। ये यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे वो पूरा, ये ठीक है, ये सब फ्लिप करने की टेंडेंसी होती है। अब देखो हाइड्रोजन के पास में जितना बड़ा ग्रुप तुम लगाओगे उतना फ्लिपिंग वाली टेंडेंसी कम होगी ना, समझ में आ रहा है? हल्का लगे तब तो आगे पीछे ऐसे घूमते रहेगा, लेकिन जैसे ही भारी ग्रुप लगाए एक बार ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, न हिलेगा ना डूबेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन के जगह पे बल्कि ग्रुप अगर आप लगाओगे तो नाइट्रोजन फ्लिपिंग क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कम होगा ना, तो ऑर्डर ऑफ फ्लिपिंग जो होगा, ऑर्डर ऑफ टू साइज ऑफ ग्रुप बल्कि सबसे ज्यादा R3N, सबसे कम ना R3N, ये सब याद रखना, R2NH 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, इसके बाद 1 डिग्री अमाइन, सबसे ज्यादा किसका NH2 का, समझ में आया? और बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा और NH3 नाइट्रोजन फ्लिपिंग का इनवर्सली होगा, मतलब रिवर्स। अब देखो ना ये प्लस इफेक्ट आई इफेक्ट लगा हुआ है ना, तो प्लस आई जितना लगेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ज्यादा होगा ना, फिर ये बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहला पॉइंट यही तो लिखवाया मैंने, तो इसलिए ये क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नोट कर लो। ये सर एक लोन पेयर फ्लिप होगा ना, एक ही लोन पेयर होता है ना, हमारे टोटल पांच इलेक्ट्रॉन तीन बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होता है। इससे ज्यादा सोच रहे थे क्या? ऑक्सीजन का सोच रहा था उसके पास, तीन दो थे ऑक्सीजन सर। आज की डीसीटी में लास्ट क्वेश्चन ऊपर बता दो, ये वाला बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर और नेगेटिव के काम करने वैकेंट ऑर्बिटल सर इरेज मत कर रहा सर, नहीं नहीं कुछ मिटाना मत सर, सब लिखा क्या, ये सब लिखा ये वो का लिखना है, ये तो लिख रखे होंगे ना, एक तो लिख ही लिया होगा, करेक्शन ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, देखो सर अभी आप आगे लिखो मत कुछ, लास्ट वाला हां 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 टू टू इधर है, अच्छा क्या तो नहीं हाँ वो हटा दो, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स है, अभी समझा रहा हूं, प्रोटिक पोलर ए ये ऐसा कुछ भी होता है, प्रोटॉन डोनर ऐसा, और वही प्रोटॉन डोनर कौन सा हो गया, वही हाइड्रोजन डोनर, ये सबसे ज्यादा मतलब क्या करे प्लस को डोनर, ऐसे प्रोटॉन कैसे डोनर, प्रोटॉन पोलर ये करेक्ट ऑर्डर मतलब वोइंग कर नहीं सारे एसेट्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, अगर लोन पेयर होगा तो देगा, नहीं जरूरी नहीं है ना, जिसके पास लोन पेयर होगा वही डोनेट करेगा ना, वो H+ देते हैं तो वो वाले प्रोटॉन ही दे रहे हैं, हाँ वही H+ डोनर H+ का मतलब होगा,
देखना ये मैंने लिखा है एक्वस सॉल्वेंट मतलब पानी के अंदर रोटिक पोलर सॉल्वेंट क्या होता है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से होगा मतलब ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ तो पानी क्या है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ है ऑक्सीजन के साथ तो रोटिक पोलर सॉल्वेंट हुआ ना हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन इन तीनों के साथ होगा तो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होगा ज्यादा होगा ना क्योंकि तीनों तरफ से क्या लगने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट लगने वाला है इसलिए उसका ज्यादा हो जाएगा वही हुआ हाइड्रोकार्बन देखो क्या क्या आता है रेजोनेंस आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं आइसोमेरिज्म आते हैं क्लेनर नॉन क्लेनर आते हैं और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी आयोपैक तो दिन में ही छोड़ दिया चीज अपन ने कर रखा है तब संडे को केमिस्ट्री की रिवीजन होगी संडे को केमिस्ट्री की रिवीजन फिर तो सारे क्लास होंगे संडे को कि अभी हो गया टाइम जैसे संडे आएगा पता चल जाएगा आपको रुको रुको ये नोट संडे संडे सर नया चैप्टर अभी एक मिनट सर रुको रुको ये नोट करते पहले कल से नया चैप्टर तभी आएगा जब जीओसी आएगा ये ध्यान रखना क्या आएगा जीओसी तेरे को पता होगा अगर जीओसी नहीं पता होगा तो ऑर्गेनिक में एक भी चैप्टर समझ में नहीं आने वाला जग सुना सुना लगे जग सुना सुना होगा इसलिए पहले शीट सॉल्व करवा क्या हुआ नेक्स्ट टू उसको एनिलीन बोलते देखना ध्यान से समझना और कोई यहाँ पे जो होगा ना बेसिक स्ट्रेंथ वाला किसने काम करने वाला है एनिलीन में मान लो ना इसके पास क्या है लोन पेयर है इसके पास भी लोन पेयर है यहाँ पे आ गया H प्लस ये दो अपने पास क्या है मान लो इस पर दो बंदे हैं ये एक अच्छे से सुंदर सी आइटम है ठीक है अब ये दोनों सीन मारने के लिए तैयार है जो सीन अच्छे से मारा है उसके कमने में आ जाएगी कमने में आ रहा है तो मान लो ये ए हो गया सीन मारने वाला और ये बी सीन मारने वाला बी होगा तो देखो अपने को ऐसा लगता है ना यहाँ पे सेम कंपाउंड नहीं है ध्यान से देखना बिल्कुल मेरे को ऑर्थो इफेक्ट जो चलने वाला है ना वो सबसे कम सबसे ज्यादा किस में चलने वाला है एनिलीन में अब होगा ये ना यहाँ पे इसमें और इसमें रेजोनेंस की वजह से क्योंकि अंदर में भी पाई बॉन्ड है समझ में आ रहा है इसमें और इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे रिपल्सन हो जाती है एक यहाँ पे दोनों में रिपल्सन हो जाती है अब देखो कितने टेंशन हो गया NH2 को मान लो यहाँ पे आइटम आ रखी है और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और एक झगड़ा करने वाला उससे खड़ा है उसके ऊपर क्या बीतेगी अगर ये उससे झगड़ा करने लगे तो ये बिल्कुल टेंशन में आ जाएगा ना इम्प्रेशन खराब कर रही तो जितना उसके अंदर जो उसकी पोटेंशियल है जो कंटेंट है उस टाइम तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बाद में जो झगड़ा करने वाला है वो निकल जाए फिर वो कर सकता है ठीक है तो ये CH3 NH2 इन दोनों में रिपल्सन होने लगता है
और झगड़ा इतने खतरनाक होता है ना कि वो भूल जाते हैं कि सामने पे कोई आइटम भी है। ये झगड़े उतने देर में दूसरे क्या करता है, अपना लोन पेयर देके निकल जाता है, दूसरा वो देख के आइटम के पास चला जाता है। बस बस ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे कुछ भी लगाओ ना, उसमें क्या बताया, और तो इफेक्ट में कुछ भी लगाओ, एसिडिक ज्यादा, एनिलीन में यहाँ पे कुछ भी लगाओगे बेसिक स्ट्रेंथ कम रहे। क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो बी का ज्यादा होगा, ऐसे समझ में आया। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन लिखे यहाँ पे सी डबल ओ एच और ये यहाँ पे रिंग नहीं है इसके अंदर, सी डबल ओ एच, ये सी एच थ्री और ये एनओ टू एसिडिक कैरेक्टर, ए का ज्यादा होगा और कोई इफेक्ट है, इफेक्ट है वो तो दिख ही रहा है। ये कोई मैटर नहीं करता कि इसके पास लगा हुआ जो प्लस एच है और ये जो लगा है वो माइनस एम, यहाँ पे माइनस एम होगा क्या, माइनस आई होगा, वो डी वाले में भी तो होगा, और तो किसमें उसमें रिंग का बस बेंजोइक एसिड में लगाना, ये बेंजोइक एसिड है बोला गया तो देख तू बोला ठीक है और तो इफेक्ट एनिलीन में लगेगा तो कम हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेंजोइक एसिड में लगेगा तो ज्यादा। समझ में आया? अब वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में करवाए हैं सारे बेसिक ऊपर में बस NH2 रखते हैं, बाकी NO2CH3 ऐसे लगाते चले तो सबका बेसिक स्ट्रेंथ में निकाल सकते हैं। और पीछे से चालू होगा सर जी, सबसे छोटा ऐसे। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, पूछेगा कैसे क्वेश्चन, अगर उसको बेसिक स्ट्रेंथ पूछना होगा तो ऊपर ऐसा आइटम रखेगा जिसका नेगेटिव चार्ज वहाँ पे होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये सब नोट करना है भाई। हाँ वो ऑर्थो इफेक्टिव एनिलीन है कि सिर्फ एनिलीन क्या? तो B greater than है, वो क्या बोलते हैं basics acidic A greater than, अरे वो पहला वाला पूछ रहा हूँ मैं, ये basic strength है। हाँ वो basic strength है aniline और नीचे में वो acidic strength है, इसमें वो COOH है। रुको रुको सर, A greater than भी होगा? Yes, नीचे वाले में A greater than है। रुकना एक मिनट सर, कौन है कमरा, कभी भी सर इफेक्ट होगा तो हमेशा बेंजोइक एसिड वाला ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट बस किस में काम करेगा, बेंजोइक एसिड में ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड के अंदर काम करेगा, इसके अलावा कहीं ऑर्थो इफेक्ट ना, और हैलोजन होगा तो हमें से क्या लगाना है आपको, डिस्टेंस जब करते कल असाइनमेंट करते ये करके आओगे पूरी की पूरी, ट्राई करके आएंगे एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिसिटी जो भी है, कल कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, खत्म हो गया है सी ओ और ये करके आओगे, ये काम है एरोमेटिसिटी है बीजा एसिडिक ले ले एसिडिक वो सी ओ एच है ना, बेंजीन लेंगे तो ए ग्रेटर देन बी, टाइम हो गया क्या सर है क्या
ईशान को इधर ही बैठना कुछ भी दोनों एक ही तो है, दोनों ही कर रहे थे। ऊपर देखा तेरी पीस मसाज करेगा अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। चिन्मय का गिर गया, क्या गिरा, कैसे गिरा, क्यों गिरा, गिरा कैसे।